इंडिया में डॉट इन डोमेन नेम्स की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शायद से बैन हो सकती है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, डोमेन, वेब होस्टिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं निक्सी के नए अपडेट के बारे में। निक्सी कौन है, क्या है? निक्सी बेसिकली मैनेज करता है डॉट इन रजिस्ट्री को, डॉट इन और जो डॉट भारत डोमेन नेम से उसकी जो रजिस्ट्री है, उसके जो रूल्स हैं, वो सब यहाँ पर निक्सी मैनेज करता है। अब रिसेंटली उन्होंने एक नया ड्राफ्ट निकाला है, जहाँ पर उन्होंने एक सेंटेंस बोला है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर डोमेन्स को रख करके उसको एक्सेप्शनली हायर प्राइस पे बेचते हैं दैन द पब्लिश्ड MRP। ये डॉट इन डोमेन्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रार्स भी हैं। ये अभी तक इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रार्स पे बैन लगाया हुआ था कि रजिस्ट्रार्स ऐसे नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार्स मतलब GoDaddy, Namecheap, इनको अलाउड नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ऐसा कर सकते थे, जैसे आप और मुझ जैसे कंज्यूमर्स जो हैं। बट अब उन्होंने ये प्रपोज किया है कि जो इनकी डेफिनेशन है उस पर रजिस्ट्रार को रिप्लेस कर दिया जाए रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रेंट दोनों। तो वी आर अ रजिस्ट्रेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रार थे जो इसको एक तरीके से फेक करने की कोशिश कर रहे थे कि पीछे एज अ रजिस्ट्रेंट दिखाते थे, लेकिन एक्चुअल में वो रजिस्ट्रार्स के पास ही रहता था। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि आप जो GoDaddy वगैरह हैं उनको भी बैन करो इन्वेस्टमेंट से, और जो हम जैसे लोग हैं जो डोमेन को परचेज करके रखते हैं उनको भी बैन करो। तो एक तो इन्वेस्टिंग अलग होती है, स्क्वाटिंग अलग होती है, साइबर स्क्वाटिंग अलग होती है। साइबर स्क्वाटिंग इज़ लाइक कि आपने ट्रेडमार्क वायलेट कर दिया, आपको पता है amazon.com, amazon.in, और स्क्वाटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे मैंने x.com खरीद के रखा है, अब दैट्स अ वैल्यूएबल डोमेन नेम, और अभी मैंने उसको 20-30 साल बाद किसी को $2 million में बेच दिया, दैट इज़ डोमेन इन्वेस्टिंग। ये कह रहे हैं कि अब आप वो भी नहीं कर सकते हो डॉट इन डोमेन्स पे। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ अपनी वॉइस को रेज कर सकते हो। यू कैन शेयर दिस वीडियो, जो भी डोमेन में है, जो भी डोमेन से रिलेटेड काम करता है, इन्वेस्टमेंट में इंडिया में है, वेब होस्टिंग पे है, डॉट इन डोमेन्स पे काम कर रहा है, यू कैन शेयर दिस वीडियो, ताकि उसको फ्यूचर में पता रहे कि यार ये चीज़ें हो रही हैं तो मुझे ये पर्टिकुलर नहीं करना है। एंड शायद से ये बात मेरी जो निक्सी वाले लोग हैं उन तक भी पहुंच जाए कि डेफिनेटली वी नीड रूल्स, लेकिन इस तरह के नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रूल्स आपने बताए हैं ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जब बाकी कहीं नहीं है तो इंडिया में क्यों ज़रूरत है? एंड पीपल आर लीगली डूइंग इट, किसी को इससे कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अगर किसी ने यहाँ पे डोमेन को होल्ड भी करके रखा है तो आज तक किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अब पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पर डोमेन इन्वेस्टिंग का। और सिर्फ यही नहीं, रिसेंटली इन्होंने और भी नए चेंजेस इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे कि एक तो KYC वेरिफिकेशन था, जो भी डॉट इन डोमेन्स को रजिस्टर कर रहे हैं उनको KYC वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा 2-3 डोमेन्स के बाद में। और अगर आपके 2 से ज़्यादा डोमेन नेम्स है तो आपको CEO का अप्रूवल लगेगा, अगर आपके 2 से ज़्यादा डॉट इन डोमेन नेम्स है तो। एंड ये कैसे लेंगे वो लोग, कि आप लोग रजिस्ट्रार्स के थ्रू लोगे, कैसे लोगे, उसके लिए अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये एक नई रिक्वायरमेंट थी जो वो लोग लेकर के आए थे लास्ट ईयर। एंड इसके रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं नीचे डाल दूंगा। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस यू कैन रीड। लेकिन फिलहाल के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि डॉट इन डोमेन पे इन्वेस्टमेंट के लिए शायद से बैन लग सकता है, 2 से ज़्यादा अभी भी नहीं खरीद सकते। उसके लिए आप लोगों को अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी, KYC अप्रूवल देना पड़ेगा, उसके बाद आप 2 से ज़्यादा डॉट इन डोमेन्स को परचेज कर सकते हो। मैं आपको अपनी ओपिनियन बता देता हूँ कि आप लोग कोशिश करो कि स्टे अवे फ्रॉम डॉट इन डोमेन नेम्स। लाइक मैं इंडिया से हूँ, आई वॉन्ट टू सी इंडिया ग्रो, आई वॉन्ट टू सी कि डॉट इन डोमेन्स भी मतलब वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो जाए, जैसे .tv है, .ai है, ये भी कंट्री कोड डोमेन्स है, लेकिन दीज आर पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। लेकिन .in पे अगर इतने रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं तो एज अ बिजनेस इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करो। मैंने भी बहुत सारे डॉट इन डोमेन नेम्स लेके रखे हैं और अभी वो फिलहाल एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और मैंने उसके .com वाले वर्जन भी ले लिए थे विद टाइम। तो डॉट इन डोमेन्स अगर अभी आपने लेके रखे हैं तो कोशिश करो कि उसका कोई दूसरा वेरिएंट भी ले लो, एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फ़िलहाल उसको मत लो डॉट इन डोमेन्स को। और थोड़ा ये जो मार्केट है काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है स्पेसिफिकली डॉट इन डोमेन्स का, तो आई विल एडवाइस कि डॉट इन डोमेन्स को जितना अवॉइड कर सको करो, कोई और दूसरे डोमेन्स ले लो। इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ इंडिया की भी ऑडियंस को टारगेट करना है, फाइंड अ डिफरेंट डोमेन नेम। बहुत सारे डोमेन नेम्स अवेलेबल है, डोमेन जनरेटर्स है, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, डोमेन जनरेटर्स, AI डोमेन जनरेटर्स, जो आपको अच्छे डोमेन नेम्स दे देंगे दूसरे एक्सटेंशन में। तो एट प्रेजेंट डॉट इन और डॉट भारत को अवॉइड करो, दैट्स माई ओपिनियन। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।